हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आरपी सर आपका स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि सी टेट की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, यूपी टेट की परीक्षाएं अगले माह होनी तय हो चुकी हैं। तो सी टेट में पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। उन्हीं 30 प्रश्नों को, चुनिंदा प्रश्नों को, जिनके आने की संभावनाएं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, मैं लेकर आपके सामने आया हूं। आइए उन प्रश्नों को सही और सटीक आंसर के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ हम उसको शुरू करते हैं। तो आप पूरे ध्यान से, पूरी तन्मयता से लाइक और शेयर करते हुए आप देखिए। आप कभी ये मत समझिए कि इन प्रश्नों का क्या महत्व है। ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि परीक्षाएं प्रारंभ हैं और आपने देखा कि हमारे छात्र जो पढ़े हुए हैं वो खुद कह रहे हैं कि गुड डन सर, बहुत अच्छा लगा आपकी ऑनलाइन की क्लास करके, हम इतने प्रश्नों को कर रहे हैं, हमारा इतना जा रहा है पहली पाली में जब परीक्षा हुई ईबीएस के प्रश्न दिए। तो निश्चित रूप से यह हमारे खुशी की बात है और यह पूरे लिप्रस परिवार के लिए, लिप्रस के लिए खुशी की बात है। इसलिए आइए, आप बिना समय आपका गवाया किए, हम आप चूंकि पढ़ रहे होंगे इसलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। और पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है कि देख लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में खंड करके देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य है क्या, ऑब्जेक्ट है। तो जिसका उद्देश्य है, पहला देख लीजिए कि निश्चित रूप से लिखा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त करना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त करना, यह पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक ना। तो हमने बोला कि आप प्रश्न का आंसर कैसे छाटते हो, एकदम निश्चित रूप से आप जान लो कि पहले कौन सही नहीं है, यह चीज देखना होता है आपको। तो कौन सही नहीं है, तो पहला तो घर में शिक्षार्थी को व्यस्त कर देंगे, दूसरे काम में व्यस्त कर देंगे या पढ़ाई में व्यस्त कर देंगे, तो करके देखेगा कैसे, उसे मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि उसको उसको क्या होना चाहिए, आप सब जानते हैं, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्यों, जब तक आप जानते हैं कि पर्यावरण एक प्रत्यक्ष अनुभव अर्थात भ्रमण में जो चीजें हैं प्रैक्टिकली उसको साबित करके आप देख लीजिए। जो कोई कहता है कि ये चीज सही है, कोई कहता है, तो आइए ना करके देखो कि सही क्या है। और करके देखो का मतलब हमको डायरेक्ट कोई चीज प्राप्त हो जाती है, अर्थात आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी, बहुत सही, क्या होगा, बी। और परीक्षा के निष्पादन को सुधारना ये भी सही नहीं, वैज्ञानिक शब्दावली को की परिभाषाएं सिखाना ये भी सही नहीं। इसलिए प्रश्न नंबर एक का सबसे उपयुक्त आंसर क्या हुआ, सबसे उपयुक्त आंसर हुआ बी, अर्थात प्रत्यक्ष हस्त परक अनुभव उपलब्ध कराना, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हम लोग इसको देखें, तो इस तरह से आप लिब्रस के सब्सक्राइबर, आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, कर रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, या जो भी चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन लाइक और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि लिब्रस आप ही के भरोसे है और आपके लिब्रस तन मन धन से तैयार है। तो इसलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए स्क्रीन पर उपलब्ध है, लिखा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई, किसकी पढ़ाई, ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य, ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य पहला दिया है, अब देखें कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। भाई ये प्राथमिक स्तर पर गहन समझ तो छात्र में आएगी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। दूसरा दिया है कि अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, अगले स्तर पर, यह चीज मैं पढ़ा चुका हूं, आप लाइव में भी आपको बता चुका हूं कि अगले स्तर के लिए क्या, अगले कक्षा में जाना है तो पहले से तैयार किया जाएगा कि देखो ऐसे ऐसे पढ़ना, ऐसे ऐसे करना, नहीं, इसलिए यह भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा दिया है
कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि आंसर मिल गया? आप दो तो ऊपर से नहीं था, तो निश्चित रूप से यही आंसर है होगा क्या? कक्षा की पढ़ाई को, देखिए पर्यावरण एक अवेयरनेस का विषय है, जागरूकता का विषय। मैं बार बार कहते आता हूं कि जब तक जागरूकता नहीं होगी, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक पर्यावरण को पढ़ने और पढ़ाने दोनों में इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए थोड़ा हम जागरूक हों, अवेयर हों, तो निश्चित रूप से पढ़ाई के अलावा विद्यालय के बाहर की गतिविधियों से जब उसे हम अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से संगोष्ठी या जो भी चीजें हमने बताया ना कि दृश्य और श्रव्य, अर्थात कक्षा के बाहर की गतिविधियां, कक्षा के अंदर की गतिविधियां, तो कक्षा के बाहर की गतिविधियों अर्थात पर्यावरण एक समग्र अध्ययन की बात करता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट ऑप्शन यही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर, क्या प्रश्नोत्तर, सॉरी कक्षा में प्रश्नोत्तर कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक, कौन तकनीक? प्रश्नोत्तर, अर्थात कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? मतलब प्रश्नोत्तर नहीं कहते हैं, हम प्रश्न दे रहे हैं और आप लिखिए, तो प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला लिखा है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। किसका ध्यान? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। आप सोच रहे होंगे, आंसर बता रहे होंगे, आप निश्चित रूप से आंसर मिल रहे हैं, मुझे भी मिल रहे हैं आपके आंसर। तो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। प्रैक्टिकल तो प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में संभव ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, केवल प्रश्नोत्तर पूछ के ध्यान आकर्षित नहीं किया जा सकता, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आप डी को देखते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए केवल प्रश्न पूछा जाना जरूरी नहीं है, अन्य तरीके से भी अनुशासन बनाया जा सकता है, इसलिए डी भी नहीं सही होगा। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? करेक्ट आंसर बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया, अर्थात शिक्षार्थियों में, किसमें? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने। आप जानते हैं कि जब किसी छात्र में जिज्ञासा होगी तभी विषय का सही रूप से वो अधिगम कर सकता है। क्या कर सकता है? अधिगम कर सकता है। तो पूछ रहा है प्रश्नोत्तर सबसे अच्छा, तो जब सबसे अच्छा हो गया तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सोचना होगा कि सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा। देखिए सीटेट के सब ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए लिब्रेस में, हमेशा लिब्रेस क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हमेशा स्वागत है, स्वागत रहा है और हमेशा स्वागत आपका रहेगा। इसलिए लाइक और शेयर करना ना भूलिए और प्रश्नों को देखिए, इन चुनिंदा प्रश्नों को कि इसके प्रश्न कैसे कैसे हैं और आंसर इसके कैसे यही सही हैं। मैं पूरे डिस्कशन के साथ, जैसे प्रश्न है तो उत्तर है, लिखा है ये प्रश्न उत्तर, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आसान है आपके लिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? देखिए संकेतक उपयुक्त नहीं है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए भाई तो ध्यान रखना है आपको, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पूछ रहा उपयुक्त नहीं है, तो प्रश्न उपयुक्त नहीं है। ईवीएस की पढ़ाई के लिए, किसकी पढ़ाई के लिए? ईवीएस की पढ़ाई के लिए स्मरण करना जरूरी है, जरूरी है ना, ये भी जरूरी है,
प्रश्न पूछा ही जाता है और आपसी सहयोग से ही तो हम कोई काम कर पाते हैं, चाहे जल संरक्षण हुआ, चाहे जो भी चीजें हुई, आपस में एनजीओ या तो गैर सरकारी सरकारी संगठन काम करते हैं किसी प्रदूषण के लिए, तो बच्चों में भी एक सहयोग की भावना होती है। इसलिए ए बी और डी तो सही है, ये पूछ रहा उपयुक्त नहीं है। तो न्याय एवं समानता में रुचि, तो न्याय और समानता में रुचि यह ईबीएस के प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। आकलन कैसे कर सकते हैं? स्मरण से कर सकते हैं, प्रश्न पूछ के कर सकते हैं, सहयोग से कर सकते हैं। ईबीएस की पढ़ाई का अच्छा संकेतक सब यही है, लेकिन यह संकेतक नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या ऑप्शन होगा? सी। ठीक, क्लियर हो गया, समझ लिया आप? ओके, बढ़ा जाए आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे हम लोग। बहुत सही, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन लिखा है प्राथमिक स्तर पर। देखिए, सारे क्वेश्चन सीटेट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? एक एक क्वेश्चन चुन चुन के आपके सामने रखा गया है, इसलिए एक भी प्रश्न को इधर उधर जाया ना करिए, देखिए जरूर। सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? सबसे पहलू जो है सबसे महत्वपूर्ण है, लिखा है क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का क्या करना? विकास करना। दूसरा है आकलन में सफलता प्राप्त करना। तीसरा, ध्यान दीजिए, तीसरा विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अर्थात अवधारणाओं को समझना। और चौथा, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ाए थे आपको, बताए भी हैं और बताते भी रहते हैं कि पर्यावरण केवल भौतिक पर्यावरण नहीं है, सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, ये भी तो पर्यावरण है। हम लोग तो पर्यावरण में अध्ययन करते हैं एक तरह से, भौतिक पर्यावरण, जैविक और अजैविक घटक, लेकिन पर्यावरण को प्रकार के रूप में देखा जाए तो सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और मनोसामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, ये सब आते हैं। इसलिए सीखने वालों, देखिए, प्राकृतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, पर्यावरण को जोड़ना। अर्थात जब सबसे हम जोड़ के रखेंगे, जब सबको हम एक साथ जोड़ेंगे, तब सही रूप से हम पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, मैं बता भी चुका हूं आपको। हाँ हाँ, एकदम सही, एकदम सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात, एकदम। तो देख लीजिए, यही आंसर होगा फिफ्थ का, डी। ठीक ना, बढ़ा जाए आगे, बढ़ते हैं। बहुत सही, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो देखिए, उसी तरह के फिर क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर क्या होगा कि सीखने, सिखाने के लिए एक तरह से देखा जाए तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, सातवां, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय कौन? समुदाय, सीखने एवं सिखाने, सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, बहुत सस्ता संसाधन है। दूसरा, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तीसरा, लेकिन इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तीसरा, चौथा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखें तो देखिए, पर्यावरण जो है इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए केवल भाषा बदली है, ध्यान रखिए, प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। अर्थात प्राथमिक अध्ययन में समुदाय में जब हम पहुंचते हैं किसी ग्रुप में, तो हमको रियल वास्तविक स्थिति का, किसका रियल, अर्थात रियल वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि वास्तविकता में है क्या।
तो जब वास्तविक स्थिति का पता चलता है तो देखा जाए तो आंसर क्या होगा, वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है क्या समुदाय, जब बच्चे जानते हैं ना जो चीज वो घर पर नहीं सीख सकते, जो चीज अकेले नहीं सीख सकते वो ग्रुप में बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, उनमें जिज्ञासा आती है, इसलिए करेक्ट आंसर लगाया जाए। वेरी गुड, क्या बहुत सही, आगे बढ़े डी, क्योंकि आप जानते हैं कि समुदाय में वास्तविक स्थिति व्यक्ति अर्थात वो छात्र वो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, इसलिए उस स्तर पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा, डी राइट आंसर लॉक किया जाए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका दोहराना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम प्रारंभ हो चुके हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी भाषा, प्रयुक्त भाषा देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, यही पूछ रहा है। पहला लिखा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। भाई इंटरेस्टिंग जब नहीं होगी तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से यह तो होगा नहीं। दूसरा, परिभाषाओं में, किसमें, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, क्या बनी चाहिए, औपचारिक बनाई जानी चाहिए। और अगला देखें हम तो देखा है, अगला लिखा है औपचारिक बनाई जानी चाहिए और अगला बच्चों को दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऑप्शन यही सही होगा, कौन अर्थात ये सी होगा, डी नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बच्चों को जो दिन प्रतिदिन की भाषा है उससे संबंध, कौन सी लैंग्वेज आई, किस भाषा का प्रयोग हुआ, क्या चीज आ रहा है, ये सब चीजें बताने के लिए अर्थात ऑप्शन इसका क्या होगा, सी सही होगा, बच्चों को दिन प्रतिदिन की भाषा से क्या। इसमें तीन ही ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, मैं तीन ही ऑप्शन इसमें रखा हूं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन लीजिए। पर्यावरण में लास्ट में आपने पढ़ा होगा पेडोलॉजी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है, लिखा है सतत वो क्या क्यों आवश्यक है। भाई आप जानते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी की सफलता का अंतिम चरण मूल्यांकन ही होता है, वैल्यूएशन, क्या होता है वैल्यूएशन, आपने क्या पढ़ा, आपने शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई चीजों को कैसे समझा, तो आपको कितना समझ में आया, कितना अंक अर्जित किया, ये आपका मूल्यांकन है कि किस तरह से आपने पढ़ा, और शिक्षक ने कैसे पढ़ाया कि छात्र में कहां कितनी चीज समझ में नहीं आई। अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की सफलता के लिए आप देखते हैं परीक्षा के अंत में मूल्यांकन ही होता है, आप देखते हैं ना कि मूल्यांकन आता है वैल्यूएशन, तो क्या लिखा है, शिक्षार्थियों में कितना नहीं सीखा जानने के लिए, नहीं, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ये भी नहीं, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देना। देखिए जब बार बार आप एसटी देते हैं, आप परीक्षा देते हैं, ओएमआर सीट बनाते हैं, ये सब चीजें जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि निरंतर मूल्यांकन करने से क्या होता है, शिक्षार्थियों में परीक्षा का जो अनावश्यक भय होता है, एक एग्जाम फोबिया होती है, कैसे रंगेंगे, क्या भरेंगे, अर्थात वो प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस व्यक्ति को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो यदि आप प्रैक्टिस बार बार उसको कर रहे हैं, सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, आपने प्रैक्टिस किया है तो माउस क्लिक करके अपने आंसर को आप क्लिक कर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह सही है कि निरंतर मूल्यांकन होने से परीक्षार्थियों में अनावश्यक जो परीक्षा का एक भय होता है, जानते सब कुछ है लेकिन एक डर सा बना रहता है, वो डर समाप्त हो जाता है, इसीलिए मूल्यांकन करने का मतलब उसमें सुधार किया जाए, अर्थात अनावश्यक से क्या हो जाए, अनावश्यक भय नहीं होना चाहिए।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े और क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो लिखा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। कौन? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा कहते ना बच्चे को प्रेरित करिए। जब तक किसी में प्रेरणा नहीं आती अंदर से, किसी अर्थात विल पावर इच्छा शक्ति नहीं आती है, तब तक कोई भी बच्चा प्रमोट नहीं होगा, जब तक वो जागरूक नहीं होगा तब तक विषय को सीख नहीं सकता। तो निश्चित रूप से बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना, दूसरा है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करना, तीसरा है बच्चों को एक दिशा में सोचने की शक्ति विकसित करना। नहीं भाई, एक दिशा में कैसे होगा? पिछले सीखे हुए नए अधिगम को अलग करती है। तो देखिए न डी सही है न बी सही है, और स्मरण शक्ति तो सोचने विचारने का। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास, किसका विकास? रुचि का विकास। और जब तक किसी विषय में रुचि नहीं होती है, आप ईबीएस में रुचि ले रहे हैं, ये हमारे लिए और लिप्रस के लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आप रुचि ले रहे हैं और लाइक और शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लाइक और शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऊपर वाला आपके साथ है और लिप्रस तो सदैव आपके साथ रहा है और रहेगा। आप सफल होंगे ये पूरी दावा है हम सब लिप्रस परिवार के सदस्यों की। तो आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन छोटा है, तुरंत आंसर मिल जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली मानी जाती है? प्राथमिक स्तर पूछ रहा है। अब मैंने बताया था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को समझाने के लिए योजना बनाना, बच्चे इतना प्लान कहां जानेंगे, तो यह तो होगा नहीं। फिर लिखा है व्याख्यान विधि, व्याख्या बड़े बच्चे समझ सकते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे प्राइमरी लेवल के बच्चे ये नहीं समझ सकते। फिर लिखा है वाद विवाद, वाद विवाद में कुछ जानकारी जब हो जाए तब ना डिस्कशन कर सकते हैं। वाद विवाद आपके पेडोलॉजी में एक टॉपिक है, लेकिन वाद विवाद समूह चर्चा तब तो हो सकती है, तो ये भी नहीं है। कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? तो सबसे ज्यादा प्रभावी बच्चों को कहानी के माध्यम से। आप सब जानते हैं ना कि कक्षा एक और कक्षा दो में पर्यावरण को, किसको? ईवीएस को, ये बहुत सही बात है, ईवीएस को एक तरह से पढ़ाया जाता है कहानी और गणित के माध्यम, भाषा और गणित के माध्यम से, अर्थात कहानी। और जब बच्चों को कहानी से जोड़ को कोई चीज बताएंगे तो बच्चे देखते हैं ना कहानी सुनना बड़ा पसंद करते हैं। तो बच्चों को लिखा है प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को समझाने के लिए सबसे प्रभावशाली विधि कौन मानी जाती है? कहानी विधि। कौन मानी जाती है? कहानी विधि। इसलिए राइट है, आगे बढ़ा जाए, बहुत सही, ठीक है। हाँ हाँ, लाइक शेयर करते रहे, बहुत सही, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। लीजिए एक आपके सोचने का, ये थोड़ा आपके देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज लड़कियां क्या से क्या नहीं कर रही हैं, कदम से कदम मिला के चल रही हैं, तो ये भी नहीं है, तो सही है ये, इसका मतलब ये बात पूर्णतः सही नहीं है। यह कथन सही हो सकता है? नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही कहीं नहीं, आप सब जानते हैं। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ऐसा नहीं कि किसी लड़की की बुद्धि किसी लड़के से खराब है इस आधार पर। यह जो कथन है ना, एक तरह से कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है, अर्थात इसका सटीक आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अर्थात एक वर्ग अपने आप को डोमिनेटिंग पोजीशन में मानता है और इस आधार पर कहता है कि लड़के जो होते हैं लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, जबकि यह क्या है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये प्री मीटिंग ऑफ माइंड है, अर्थात पहले से यह बना करके ये पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग ऐसी बात करते हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। इसलिए यह कथन क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह के अर्थात ग्रसित बताता है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा 12 का? डी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिख रहा है। इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा का
सिद्धांत नहीं है। तो पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत कौन नहीं है? तो पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, निश्चित रूप से सहभागिता होती ही होती है। जबकि पर्यावरण समूह की बात करता है, भ्रमण की बात करता है, तो सहभागिता तो होती ही होती है, क्योंकि एक व्यक्ति कोई चीज नहीं कर सकता। हम किसी चीज को, चाहे वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो, जब तक सरकार और संगठन इसके लिए काम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसे सहभागिता तो जरूरी है। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा की प्रणाली नहीं है। वाह, लिखा है नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि पर्यावरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने बताया है आपको कि पर्यावरण एक दिन, तो यहां पर लिखा है नहीं है, तो आंसर तो यही मिल गया। सिद्धांत नहीं है तो सिद्धांत नहीं है, तो सिद्धांत में यही निगेटिव आंसर पूछ रहा है। तो सब सिद्धांत हो सकते हैं। सी भी होगा, पर्यावरण एक समय की तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल होना चाहिए। सही बात है। समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये भी बात सही है और ये तो सही है। अर्थात ए, सी और डी, ये तीनों सही है। अर्थात प्रश्न के स्वरूप के अनुसार बी नहीं सही है। अर्थात आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। अर्थात आप सब जानते हैं, उपयुक्त यही है ना, कि पर्यावरण शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली, रोज सीखने वाली प्रक्रिया है, एक दिन में समाप्त होने। यह क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 में लिखा गया है, पर्यावरण मीन्स एंड इंक्लूड, अर्थात पर्यावरण का अर्थ है और इसके अंतर्गत शामिल है। क्योंकि पर्यावरण की क्लोज परिभाषा नहीं है, खुली परिभाषा है, और इसमें जो चीजें आएंगी वो शामिल होती चली जाएंगी। इसलिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रणाली है, एक दिन खत्म होने वाली प्रणाली। जब तक मानव रहेगा तब तक पर्यावरण रहेगा और उससे संबंधित शिक्षा रहेगी ही रहेगी। इसलिए उपयुक्त आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए, सब सी टेट के क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिए। थोड़ा समय लग रहा है आपको, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। और स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो देख लीजिए, कौन सी नीति कारगर सिद्ध होगी? तो थोड़ा सा नीचे है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, दूसरा पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके परीक्षा के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एकदम उपयुक्त आंसर क्या है? एकदम उपयुक्त आंसर बी होगा। पाठ्यक्रम में बदलाव जरूरी है, गैर शैक्षिक मन शिक्षा के अलावा भ्रमण, रचनात्मक क्रियाकलापों को कैसे क्रिएटिविटी की जाए इसको शामिल करके यह जागरूकता लाने हेतु, क्या लाने हेतु? देखिए, जागरूकता केवल विषय में देकर नहीं की जा सकती, केवल पाठ्य पुस्तक में देकर नहीं किया सकती। उसके लिए पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए, भाई ये भी आ रहा है। उसके बाद गैर शैक्षिक अर्थात शिक्षा के अलावा भ्रमण इत्यादि होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें कुछ बच्चों को सीखने का मौका मिलना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। इसलिए क्या होगा? बी। अर्थात इसलिए क्रियाकलापों को शामिल किया। इसलिए राइट आंसर 14 का क्या हुआ? बी। बढ़ा जाए आगे, वेरी गुड, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बहुत सही, हाँ हाँ, एकदम एकदम। अब लिखिए ईबीएस शिक्षा। कौन शिक्षा? ईबीएस शिक्षा का उद्देश्य है किसका? ईबीएस शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा का ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। आप जानते हैं कि पर्यावरण और शिक्षा दो शब्दों से मिलकर के बना है। पर्यावरण जो हमने बताया आपको, वातावरण की गुणवत्ता पर बल देता है। किस पर? वातावरण की गुणवत्ता पर बल देता है। और शिक्षा जो है वो व्यक्ति के गुणवत्ता पर बल देता है। अर्थात व्यक्ति को वातावरण, अर्थात यह शिक्षा के पहले पर्यावरण जैसा विशेषण शब्द जुड़ जाने से शिक्षा एक विशिष्ट रूप में हो गई। और कैसी शिक्षा हो गई? पर्यावरण शिक्षा।
और कौन सी शिक्षा दी जाएगी? पर्यावरण के संबंधित शिक्षा दी जाएगी। पूछ रहा है इसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से एकदम पर्यावरण की सबसे जरूरी क्या है कि हम सुरक्षा कैसे करेंगे और उसका प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। इसलिए पर्यावरण, इसीलिए शिक्षा पढ़ाई जाती है कि पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित रखें। यही नहीं, स्टॉक होम से 1972 से ही चल रहा है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, और चाहे जल संचय हो, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, जो भी है कि सुरक्षा और संरक्षण ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए पर्यावरण पढ़ाया ही जाता है कि हमको पर्यावरण नुकसान करेगा, प्रदूषण होगा तो नुकसान करेगा, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा की जाए और दूसरा उनका सुरक्षित किया जाए, उन्हें बचाए रखा जाए, क्योंकि हमारे लिए और पूरे मानव समाज के लिए, पूरे लिविंग क्रिएचर के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, ये तो आप बहुत पढ़े होंगे, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके टाइप क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। इनमें से वार्षिक बलयों की संख्या का, अर्थात बलय जो उनके काट करके, तने से बलय को काट करके अलग करके प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसमें वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर, किसके वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर, इसलिए ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ देते हैं। लिखा है पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है, किसका कार्य है? पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट का भी क्वेश्चन है, पीसीएस का भी क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का कार्य क्या है। मैनेजमेंट शब्द आ गया, प्रबंधन आ गया, तो थोड़ा सा आप घबराइए नहीं। पेडोलॉजी से क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, लगता है अध्ययन तो करना चाहिए लेकिन अध्ययन के बाद क्या, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना। क्यों? मैनेजमेंट काहे के लिए किया जाता है, प्रबंधन काहे लिए किया जाता है, कि क्या करने के लिए, एक दूसरे में संतुलन स्थापित करने के लिए, क्या करने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रबंधन शब्द है तो प्रबंधन का अर्थ ही होता तालमेल, ठीक ना, अर्थात एक दूसरे में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करना। तो घट लिखा ना, विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था, कौन सी अवस्था, संतुलन की अवस्था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी, क्या होगा, बी। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, एकदम। लाइक और शेयर करते रहिए एकदम लिप्रेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी बंधुओं का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का, सबका स्वागत है। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ाई करें और जल्दी से जल्दी सीटेट पास करें, एकदम पास होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी मछली मच्छर के लार्वा को खाती है? तो सीधा सा जीके क्वेश्चन है, रोहू है नहीं, क्लोरियस है नहीं, एक्वेरेटस है नहीं, गैम्बूजिया, कौन, इसको अंग्रेजी में गैम्बूजिया कहते हैं, हिंदी में गैम्बूसिया भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है गैम्बूसिया। इसलिए यह क्वेश्चन का तो आंसर एकदम क्लियर ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है, आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण प्रदूषण का हानिकारक असर होता है। लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण का हानिकारक असर होता है, मतलब प्रदूषण, चाहे प्रदूषण या प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से, प्रदूषण होता ही होता है। और जब प्रदूषण होता है तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि चाहे वह एयर वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे रेडियोधर्मी प्रदूषण हो, चाहे वायु पॉल्यूशन हो, उसका असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव पर पड़ता ही पड़ता है। और क्लाइमेट चेंज होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, तो उसका प्रभाव पौधों पर भी पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? पौधों पर पड़ेगा। अर्थात यही नहीं, इसके अलावा जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ हैं, अर्थात अजीवी जो घटक हैं, उस पर भी पड़ेगा। अर्थात तीसरा दिया जैविक और अजैविक घटकों पर, ठीक।
तो निश्चित रूप से इसका आंसर जैविक और अजैविक वाला पूछ रहा हानिकारक असर होता है। तो देखिए ये सब चीज ये तो दोनों मिल करके किस में आ गए, जैविक घटक में आ गए, किस में आ गए, जैविक घटक में। तो निर्जीव चीजों पर पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सभी सजीव पर पड़ता है। और आपने पढ़ा है जैविक घटक और अजैविक घटक, क्यों जैविक घटक और अजैविक घटक, और जैविक घटक में आप यही पढ़े थे उत्पादक, उपभोक्ता और आप घटक करता डिकम्पोजर, कौन आप घटक करता, इस पर प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक करता प्रभाव था, और ये सब जैविक घटक में आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव मनुष्यों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों सब पर पड़ता है। इट मींस आंसर राइट आंसर डी होगा, सभी जैवी या जीवी घटकों पर। क्लियर, पढ़ा जाए आगे। हाँ 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 एकदम, बढ़ते हैं आगे, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आ गया प्रदूषणकारी पदार्थ व रसायन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रदूषणकारी पदार्थ वह रसायन है जो परिवर्तन करता है, क्या करता है, परिवर्तन करता है, कैसा परिवर्तन करता है, किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति में, किसी स्थान की जंगली जीवों में, हमारे वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में, किसी प्राकृतिक भू रासायनिक चक्रों में। तो निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि हमारे वातावरण, किसको, हमारे वातावरण के प्राकृतिक संतुलन आज पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, पारिस्थितिकी में असंतुलन हो रहा है, इकोसिस्टम में डिस्टर्ब हो रहा है, तभी तो डिसबैलेंस हो रहा है। इसलिए वातावरण के प्राकृतिक, जो हमारे प्राकृतिक चीजें हैं, वही तो आज क्षति हो रही है। इसलिए वह रसायन किसको करते हैं, हमारे वातावरण के प्राकृतिक चीजों को क्या करते हैं, वो क्षति पहुंचाते हैं, ह्रास पहुंचाते हैं। और आप जानते हैं मानव जनित चाहे प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास ही तो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसलिए गुणवत्ता में ह्रास होगा, पर्यावरण का मतलब वातावरण, अर्थात वातावरण में ह्रास होगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, क्या ऑप्शन हुआ, सी, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर। हाँ हाँ एकदम, लाइक और शेयर करेंगे आप, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, देख रहे हैं, और अच्छी बात लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लाइक और शेयर कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लीजिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ, नेशनल केरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती, किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो देखिए बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़ना, ये तो है, अनुभव होगा और उसके संदर्भ से उनसे जोड़ा जाएगा, तो ये तो बात सही है। हस्त प्रक्रियाकलाप, वो क्रियाकलाप भी जोड़ती हैं। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, देखिए छोटा बालक है, प्राइमरी स्टेज का बालक है, तो तकनीकी ज्ञान उसको उतना नहीं है, या तो तकनीकी ज्ञान है ही नहीं, इसलिए का प्रस्तावित नहीं करती है, क्या नहीं करती है, प्रस्तावित नहीं करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो निश्चित रूप से बाकी सब तो करता ही करता, विषय का उपागम होना चाहिए विषय अनुसार, कौन विषय कैसे पढ़ना है, इसलिए ए बी और डी तो सही है। इसलिए प्रश्न के अनुरूप आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तत्काल में मैं कह दे रहा हूं आप मान लीजिए, नहीं, आप खुद दिमाग लगाइए कि कैसे यह सही होगा। कई प्राथमिक स्तर पूछ रहा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से एनसीएफ, तो क्या है, शब्दावली से परिचित कराना, यह इसका उपयुक्त आंसर नहीं है, अर्थात यही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, और बढ़ते हुए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए, और अब पहुंच रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि
कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है, कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द में सही नहीं है। तो देखिए ध्यान से, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आप सब जानते हैं। इकोसिस्टम अर्थात इको शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था, लेकिन इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में ए जी टॉन्सले महोदय ने कहा किया था। और ए जी टॉन्सले महोदय ने बताया था, किसने, दोहरा दे रहे हैं आप सब जानते ही हैं, फिर भी ए जी टॉन्सले, और ए जी टॉन्सले महोदय ने कहा था किसी पारिस्थितिकी तंत्र निश्चित स्थान पर समय इकाई में समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। सही, जीवी और अजीवी समुदाय में एक क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है, या एक क्रियाशील इकाई है, यह भी बात सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही बात है, क्रिएटिविटी होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, तभी तो एक इकोसिस्टम बनता है, एक चेन बनता है, पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला बनती है। और लिखा है एक बंद तंत्र है, यह एकदम गलत है, यह नहीं है, एक बंद तंत्र नहीं, यह खुला तंत्र है। अब देखते हैं ना, उत्पादक उपभोक्ता, उपभोक्ता प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, उच्च मांसाहारी, और उसमें कुछ और आता है वहीं पर रुक जाता है, फिर अर्थात ये नहीं कहते बंद श्रृंखला है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। देखो भैया, जब निगेटिव क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा दिमाग थोड़े से के लिए, दो मिनट के लिए प्रश्न पर रुक जाना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक ना। इसलिए मैंने क्रॉस पहले ही कर दिया कि यह गलत है, इसलिए प्रश्न के अनुसार पूछा है कौन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ करके देखें तो अगला क्वेश्चन 23 नंबर, पलाची माड़ा, ध्यान रखिए, पलाची माड़ा जो पर्यावरणीय अपार की अपार छत के कारण चर्चा में था अवस्थित है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और यह है क्या, यह केरल में है, कहां पर है, केरल में, इतना तो बता, लेकिन जान लीजिए है क्या। पचाली माड़ा एक आदिवासी क्षेत्र है, और यहां पर पानी का, आप जानते हैं कोका कोला कैंप जितने भी ये पेय पदार्थ वाले, कैंपा कोला, थम्सअप, ये सब कंपनियां वहां पर अपना फैक्ट्री लगाई, और जल का काफी दोहन की, और जल का दोहन कर वहां पर जल का मात्रा कम हो गई, और जल में ज्यादा प्रदूषित रसायनों को मिलने से वहां का जल क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। और अभी कुछ ही देर पहले आप जानते जब ये चर्चा में रहा पचाली माड़ा, वहां पर कोका कोला कंपनी पर 219 करोड़ रुपए का हरित न्यायालय न्यायाधिकरण ने जुर्माना लगाया था, कितने का, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण के कारण यह चर्चा में रहा है, कौन, पलाची माड़ा। अब पलाची माड़ा बस सीधा सा क्वेश्चन पूछता है, अपार छत के कारण चर्चा में था अवस्थित है, अर्थात कहां है, तो कहां पर है, केरल में है, ये पर्यावरण प्रदूषण हुआ था, इन कंपनियों पर जुर्माना लगा, ये कंपनियां जल का दोहन करती, जल प्रदूषण के नाते, अर्थात सीधा सा मतलब जल प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, इस आधार पर यह क्वेश्चन है। तो ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ आ गया, ईपीए का फुल फॉर्म, ईपीए अलग अलग अर्थ है, लेकिन आपको याद रखना है, क्या अर्थ याद रखना है आपको ईपीए का फुल फॉर्म, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी नहीं, पॉल्यूशन कोई एजेंसी नहीं, प्रोविजन माने प्रतिबंध होता है ये भी नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, प्रोटेक्शन माने संरक्षण, देखिए पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात की जाती है ना, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म, ईपीए का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तो राइट आंसर सी होगा, क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़े, इसमें कोई बात नहीं है, आपको याद ही है, आगे बढ़े, ईपीए का फुल फॉर्म आप जान गए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लीजिए लीना, ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा भाई, एक मिनट, लीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, मनो जाड़ा में भी आम खाएं, आम तो देखते हैं मार्च अप्रैल मई जून में मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहा है,
तो देखिए आम का अचार भी बनता है और आम का पापड़ भी, और आम का देखते हैं ना वो बनाते हैं चीज़, वो रस उसको बना करके करते हैं वो चीज़। दूसरा जूस तैयार करना और उसे वायुरोधी डिब्बे में रखना, जूस तैयार करके उसके लिए उसके पास सामान है कि नहीं संरक्षित के लिए, तो यह सही नहीं है। प्लास्टिक के थैले में रखना, प्लास्टिक जो है पर्यावरण का प्रदूषण करता है, इसलिए प्लास्टिक में हर चीज़ बहुत दिनों तक नहीं रखी जा सकती। और रेफ्रिजरेटर में नहीं भी रखा जा सकता। इसलिए ये बी सी ए डी तो कोई आंसर सही नहीं है, अर्थात आम का अचार भी संरक्षित किया जाता है, अब जान ही रहे हैं, आपके घर भी बनता है और पापड़ भी बना करके उसे संरक्षित किया जाता है। इसलिए ये चीज़ें हैं, अर्थात 25 का अब सीधा सा क्वेश्चन आंसर है। आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएं तो आंसर एकदम सही हो जाएगा, अचार और आम का पापड़ बनाना। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे, लीजिए ये भी है इको मार्क। हम आपको बहुत बार बताए हैं इको मार्क, एग मार्क। इको मार्क का चिन्ह यूं होता है, ध्यान दीजिए इस तरह से, और जब किसी थैले पर किसी सामान पर इस तरह का चिन्ह बना हो ऐसे करके, तो समझ लीजिए कि यह चिन्ह पर्यावरण के लिए क्या है, अनुकूल है। किसके लिए अनुकूल है? पर्यावरण के लिए अनुकूल है, अर्थात ये पर्यावरण को नुकसान, जो भी थैला जो भी कागज है जो भी चीजें दी जा रही है आपको जिसमें सामान दिया जा रहा है, अर्थात इको मारून भारतीय उत्पादों के लिए दिया जाता है। तो किसके लिए आता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मैत्रीपूर्ण पर्यावरण के यदि अनुकूल है तो मैत्रीपूर्ण होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। क्लियर। इको मार्क एक मार्ग है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए, तो निश्चित रूप से ये चीजें ध्यान रखना है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध, अर्थात मैत्रीपूर्ण हो, यही चिन्ह भी होता है। क्लियर। तो आगे बढ़ा जाए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, एक मार्ग इको मार्ग, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं राष्ट्रीय, आ गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, फिर आ गया 2005। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? यहां पर भी वही उद्देश्य दिया है, क्या उद्देश्य होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, छोटा बच्चा प्रयोग करने में कुशल नहीं हो सकता। दूसरा विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। तीसरा है विषय के सिद्धांतों की आधारभूत समझ विकास, समझ का विकास। कक्षा कक्षी अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना। देखिए एनसीएफ जो कहता है ना कि विषय की मूलभूत बेसिक जो संकल्पना है उसकी समझ विकसित करना, ठीक ना। आप पूरा पढ़ें, हम आपको बताए भी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में कि आपको बताए हैं कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है ईबीएस के लिए। तो निश्चित रूप से ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, आधारभूत संकल्पनाओं को क्या करना। आधार देखिए आधारभूत समझ दिया है और आधारभूत संकल्पना दिया है, दोनों में अंतर है, इसलिए लगता है कि दोनों सही होगा, लेकिन राइट आंसर संकल्पनाओं का विकास करना होता है न कि समझ विकसित करना, ठीक। तो राइट आंसर 27 का बी। आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास कुछ ही क्वेश्चन है, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा, क्या खतरनाक प्रभाव होगा? यह देखिए क्या खतरनाक प्रभाव होगा, थोड़ा प्रश्न पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि क्या खतरनाक प्रभाव होगा। इसलिए रात को कमरे में अंगीठी जला के जाड़े के दिनों में बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठंडी है बाहर तो तापमान उतना नहीं बढ़ेगा। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर दिया है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक प्रदूषक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है और सभी वायु प्रदूषकों में इसकी मात्रा 50% होती है, और कोयले में कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन हमारी सर्वाधिक प्रदूषक गैस मानी जाती है, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी।
मैं आपको समझा दे रहा हूं, लेकिन ऑप्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब किसकी मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा को, उपस्थित ऑक्सीजन की वहन क्षमता को क्या कर देगा, कम कर देगा, और व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो सकती है, अर्थात ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। और इसीलिए तो इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। आप यूपी टेट में, सी टेट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस तक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दम घोटू गैस, तो दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भाई, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, फसलों का आवर्तन, देखो भैया आवर्तन क्यों अनिवार्य है, फसलों का आवर्तन, आवर्तन एक शब्द है, आपको इसको दूसरी भाषा में कहते क्रॉप रोटेशन, अर्थात फसल चक्रण, दूसरी भाषा में, दूसरे शब्द में आप इसको, सॉरी, इसको हम लोग फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन नहीं कहते हैं, बदल बदल के खेती करना, क्या करना, बदल बदल के खेती करना, एक ही खेत में एक ही तरह की फसल, मैं बार बार क्लास में बताता रहता हूं, ऑफलाइन में भी आपको बताता रहता हूं, इसलिए ध्यान रखिए कि निश्चित रूप से फसल चक्रण अपनाने का मतलब ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बदलाव होता रहे, क्योंकि कई तरह की फसल हुई, कई तरह के तत्व, उस खनिज तत्व जो भी हमारे पृथ्वी में है या जो भी रसायन डाल रहे हैं, वो एक ही तरह की फसल ले लेगी, मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अर्थात ऐसा क्यों किया जाता है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण भी कृषि की सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है, क्योंकि इससे मृदा की गुणवत्ता बरकरार रहती है, उतना ह्रास नहीं होने पाता है। ठीक है भाई, तो निश्चित रूप से अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने, 30 नंबर क्वेश्चन, आरपी सर ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी तक डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट क्वेश्चन लिप्रेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लाइक और शेयर कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आइए एकदम लास्ट क्वेश्चन चलते चलते एक क्वेश्चन और बता देते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत है। मीथेन गैस, अब मैंने आपको बताया कि मीथेन गैस मुख्य रूप से धान के खेतों, किससे, धान के खेतों, जुगाली करने वाले पशुओं, मीथेन गैस CH4 निकलती है जुगाली करने वाले पशुओं से, अर्थात धान के खेत, अर्थात दलदली, अर्थात नम स्थानों से निकलेगी। तो नम स्थान आर्द्र स्थल लिखा है कि नहीं लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा हम बदल दिए हैं, नम स्थल आर्द्र वेटलैंड और जैव विविधता में आवर्तन रामसर संधि वेटलैंड आर्द्रभूम, इसलिए अंतिम, और ताप से होगा नहीं, फोम से होगा नहीं, सीमेंट से होगा नहीं, ताप विद्युत से होगा नहीं, अर्थात मीथेन गैस कहां से दलदली स्थानों से निकलती है, नम स्थानों से स्रावित होती है, इसलिए उत्सर्जित होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट कहूं या कोई बात नहीं, आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। क्या सही होगा, ए सही होगा। इस तरह से मैं पहले प्रश्न से लेकर तीसरे प्रश्न तक हम आपके पास आए, आपको पूरी तरह से समझाए, आपको अच्छा लगा होगा, आप लाइक और शेयर करते रहिए, लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हमेशा स्वागत रहा है और हमेशा स्वागत रहेगा। ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप आकर के आप पता कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आप सभी को आरपी सर के तरफ से और पूरे लिब्रस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने परीक्षाओं में सफल रहें, धन्यवाद।